ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का समग्र विश्लेषण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। करीब 2 महीने से जारी विधानसभा चुनाव अभियान की आखिरी घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव की मतगणना की उल्टी गिनती जारी है। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों के साथ साथ उनके प्रत्याशियों की भी धुकधुकी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग की तैयारियों और एग्जिट पोल के बाद की स्थिति पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव नतीजे कितनी देर में आने शुरू हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी है जहां विधानसभा सीटों पर भारी संख्या में मतदाता है। जब से एक वीवीपैट की काउंटिंग शुरू हुई है, जो वीवीपैट के थ्रू आइडेंटिफाई और मैच किया जाता है, तो इसके पहले जिस तरह से जल्दी नतीजे रुझान आने लगते थे, तो अब थोड़ा डिले होता है। और कल भी संभावना है कि बहुत जो जल्दी के जो रुझान होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं, उनको ना मान करके थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और एग्जैक्टली अगर हम कहें कि जो रुझान आएंगे पुख्ता तौर पे, वो 12 बजे के बाद से जो आने शुरू हों, तो उसको ज्यादा रिलायबल माना जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने कई पिछले इलेक्शंस में, सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल था कर्नाटका का, कि इनिशियल जो इंडिकेशंस मिल रहे थे, बाद में वो काफी चेंज हो गए। इसलिए जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको अपनी सरकारें बनानी है, चुनाव लड़े हैं, उन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और जो शुरुआती इंडिकेशंस होंगे, जो रुझान होंगे, उन पर ना भरोसा करके थोड़ा पेशेंस रखे। 11:30-12 बजे से जो नतीजे आने शुरू होंगे या जो रुझान आएंगे, उस पर ज्यादा भरोसा करें। उत्तर प्रदेश के 2012 का चुनाव मुझे याद आता है। उस समय जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी भारी मार्जिन से आगे चल रही थी और अचानक स्थितियां 12 बजे के बाद बदलने लगी थी। तो क्या अभी भी ये स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी पोस्टल बैलेट की भी गिनती पहले होती है? मतलब आप श्रोताओं को जरा बताना चाहें। जी बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होती है, फिर वीवीपैट भी आ गया है। आपने देखा होगा कि ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने एक फिक्स कर दिया कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने कम से कम मैच कराए जाएंगे जो स्लिप्स होती है उनसे। जी हाँ। तो अब तो डबल एक्सरसाइज हो गई है, पहले पोस्टल बैलेट होंगे, उसके बाद वीवीपैट मैचिंग होगी। जी, तो पहले के भी एक्सपीरियंस को देख करके इसी में होशियारी होगी, अकलबंदी होगी जी, कि थोड़ा सा पेशेंस रखे और 11:30-12 बजे के बाद से, क्योंकि तब तक ये लगभग काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद से जो मिलते हैं वो लगभग 19-20 वो मेंटेन हो जाता है, वही आगे भी कंटिन्यू करता है। अच्छा, हाल के दिनों में अखिलेश जी एक और चीज बढ़ी कि जो दल हारने लगता है उसकी ओर से कुछ विरोध शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग अब इस तरह की बातों से कैसे निपटता है? देखिए, इसमें इसका कोई उपाय नहीं है। इसमें यही है, अगर कायदे से कहें तो राजनीतिक सूझबूझ इसी में होती है कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं या जैसे एग्जिट पोल्स में जो दिखाया गया है, तो अगर वाकई एग्जिट पोल्स और रिजल्ट एक जैसे होते हैं जी, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जमीनी सच्चाई, लोगों का मैंडेट को एक्सेप्ट करके और एक हेल्दी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो वैल्यूज हैं, उसको फॉलो करके और अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी हमेशा हमेशा के लिए सरकार में है, उससे भी गलतियां होंगी, समय है, परिवर्तन होगा। बिल्कुल, इस पर उनको भरोसा रख के उनको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों पर, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी लंबी एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल, अगर आप यूपी की बात करें तो 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इतने सारे जिले हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं और इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि अब वो चाहे कोई पार्टी हो, ये एक्सपेक्ट करना कि किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटी हो रही है, वो असंभव सा हो चुका है। मैंडेट जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया और पूरी एक्सरसाइज जो उन्होंने की है उसको दिखाया कि किस तरह से हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया है। मुझे 1984 का लोकसभा चुनाव याद आता है। इंदिरा गांधी जी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में तमाम विपक्ष के दिग्गज धाराशायी हो गए थे, लेकिन किसी ने उस समय, जबकि आज की तरह न तो ईवीएम था, न आप, एक चीज और भी ध्यान में रखने की बात है कि न टीएन सेशन, जिनके बारे में कहा जाता है या बल्कि दुनिया जानती है कि उन्होंने चुनाव सुधार किए, पारदर्शिता ले आई,
तो वो टीएन सेशन के पहले का दौर था, फिर भी किसी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। मुझे वाजपेयी जी का किस्सा याद आता है कि उन्होंने तो दिल्ली से तार भेज करके ग्वालियर में अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। आपसे बताएं कि हम लोग खुद भी पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं, काफी समय हो गया, और उस समय काउंटरमैंडिंग, बूथ कैप्चरिंग, तमाम तरह की स्टोरीज आती थी जी। अब जब से ईवीएम आ गया है, इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गई है, संभव ही नहीं है फिर भी इस तरह की कयास लगाए जाए। और जो आपने जिस समय जिस दौर की बात की है, देखिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी यही कहती है, परिपक्वता यही कहती है कि आप अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान ऑफ एक्शन को चौकआउट करें कि आगे हमसे जो पिछली बार गलतियां हो पाई जिसकी वजह से हम वोटर्स को समझा नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, तो हम आगे से ऐसी प्लानिंग करें कि हम उनको प्रॉपर तरीके से कन्विंस कर पाए और हम उनका विश्वास जीत पाए। लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ बंगाल चुनाव की जी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहाँ काफी अच्छा किया था, 18 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते थे जी। और उनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का ये अनुमान था कि अगर हम उनको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जी। तो हम कम से कम 150 सीटें वहाँ जीत जाएंगे, 125 सीटें जीत जाएंगे जी। और बाकी एक संभावना थी कि दो कार्यकाल की उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो बड़े बड़े नेताओं ने 200 पौने 200 की संख्या के बारे में दावा ठोका था, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और ही आए, उनकी संख्या 100 से नीचे चली गई, 73-74 पे चले गए। बिल्कुल, फिर भी उस पूरे प्रोसेस के ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अखिलेश जी, मुझे एक चीज और याद आता है, अमेरिका में भी हालांकि इस बीच पिछले चुनाव में तो डिटोरिएशन हुआ है, लेकिन हम लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम मतलब भारत के लोग, और अमेरिका भी अपने को डेमोक्रेटिक बताते नहीं थकता है। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ कि मेरे को कैरी पैकर की हार याद आती है मुझे जी। और अब मुझे याद है कि उन्होंने अपने दोनों बेटियों के साथ एक थैंक्स सेरेमनी में हिस्सा लिया और लास्ट जो लाइन बोली थी आप भी देखे ही होंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि हम भले हार गए, अमेरिका नहीं हारना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत में भी इसी तरह के दृष्टिकोण की जरूरत है। एग्जैक्टली, यही स्पिरिट चाहिए होगी हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी, तो इसी स्पिरिट की जरूरत है कि जिस सिस्टम को हमारे ही डेमोक्रेटिक सेटअप ने बनाया है जी, अगर हम ही उसका अनादर करेंगे, उसका डिसरिस्पेक्ट करेंगे, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में अपने आप को मानते हैं भी, तो हमें इस तरह का मैसेज भी देना चाहिए कि जो सिस्टम हमने बनाया है उसके ऊपर हम भरोसा भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, और उसके माध्यम से जो भी रिजल्ट्स आते हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक दिन पहले चुनाव के जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं यूपी में जी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे सिस्टम पे सवाल उठाया। खासतौर पर पहले के पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए तो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात होती थी, उनको ट्रेंड करने की, उनको इम्प्रोवाइज करने की बात होती थी। हाल के दिनों में कुछ ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं का ये जो प्रशिक्षण या इम्प्रोवाइजेशन था वो कमजोर हुआ है? बिल्कुल कमजोर हुआ है, और सही मायने में तो अब पूरा फोकस ही चेंज हो गया है, अब सब कुछ इंस्टेंट वाला हो गया है जी। ये सोशल मीडिया के जमाने में एक जो बार बार कहावत होती है कि जो दिखता है वो बिकता है जी, अब हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है कि हम किस तरह से स्किल्स डेवलप करें अपने कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों में, और उसके नतीजे से जो पॉलिटिक्स की जो गंभीरता होती है, जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की गंभीरता होती है जी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रही है, तो उसकी वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। एक तरफ तो पूरे देश के तमाम नेता नौजवानों को प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको राजनीति में आना चाहिए जी, लेकिन हम किन वैल्यूज के आधार पर उनको बुला रहे हैं उस पर सोचने की बात है। अगर हम उनको बुला रहे हैं तो हमें उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे जिसको वो फॉलो करें जी, बिल्कुल, और उनको ये बताना पड़ेगा कि ये कोई पास टाइम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, ये लोगों के भरोसे की बात होती है, लोगों के दिलों की बात होती है, उनके फ्यूचर की बात होती है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको समझेंगे नहीं, उसको सीखेंगे नहीं, उसको स्टडी नहीं करेंगे, तो आप उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो हमें स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी अपनाना पड़ेगा। अखिलेश जी, आपने चर्चा में विचार व्यक्त किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का समग्र विश्लेषण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।